सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुगपानी। वैदिक जर्नी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज अपनी इस यात्रा में, अपनी इस वैदिक यात्रा में हम बात करने वाले हैं, सही पहचाना आपने, प्रभु श्री राम की। राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। राम के बारे में तो कितना कुछ कहा गया है, कितना कुछ कहा जाएगा, कितना कुछ बोला जाएगा, परंतु जितना भी कहा जाएगा या जितना भी कहा गया है वो बहुत कम ही होगा। इस समय पूरा विश्व राममय होके रखा हुआ है, उत्साह अपने चरम पर है। पूरा विश्व जब इतना उत्साहित है तो हम भी उत्साहित कैसे ना हों। राम की वंशावली के बारे में जानने के लिए हमको जाना पड़ेगा परम पिता परमेश्वर ब्रह्मा के पास, क्योंकि वहां से शुरुआत हुई है राम की। ब्रह्मा ने शिव और विष्णु की आज्ञा से, उनके मार्गदर्शन में सृष्टि की संरचना करी और उसी संरचना को विस्तृत करने की प्रक्रिया में अपने आप को उन्होंने विभाजित किया दो भागों में, एक भाग पुरुष और दूसरा भाग स्त्री। और अपने को विभाजित करने के पश्चात ये जो स्त्री और ये जो पुरुष उत्पन्न हुए थे उनके संसर्ग से एक बड़ा ही विलक्षण और अद्भुत जोड़ा प्रकट हुआ, और ये थे स्वयंभुव मनु और शत्रुपा। स्वयंभुव मनु पुरुष रूप में थे और शत्रुपा स्त्री रूप में। स्वयंभुव मनु और शत्रुपा श्री हरि के परम उपासक थे। श्री हरि ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के उनको दर्शन दिए और उनसे कहा, मुझसे जो चाहो वो वरदान मांग लो। तीनों लोकों की जितनी भी निधि है उसके स्वामी श्री हरि यदि ये अवसर प्रदान कर रहे हैं मनु को और शत्रुपा को, जो चाहे मांग लो मैं दूंगा। तो मनु और शत्रुपा क्या मांगते हैं? तीनों लोकों के स्वामी से उन्होंने मांगा कि प्रभु आपने दर्शन दे दिए, हमारा जन्म लेना सफल हुआ, लेकिन फिर भी आप कुछ देना ही चाहते हैं, तो हमें ये वरदान दीजिए कि जब भी हमारा पुनर्जन्म हो दोबारा तो आप हमारे पुत्र रूप में जन्म लें। श्री हरि विष्णु शत्रुपा से मनु से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दिया कि न सिर्फ एक बार, मैं तीन बार तुम्हारा पुत्र बन के जन्म लूंगा तुम्हारे अलग अलग जन्मों में। इस प्रकार विष्णु ने जो अपना वचन दिया था मनु को और शत्रुपा को वो उन्होंने पूरा किया। यहां से शुरू होता है प्रभु श्री राम का वंश। ब्रह्मा से उत्पन्न हुए मनु और मनु से होते 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 दशरथ और उसके बाद राम। इस वंशावली के हर वंशज के बारे में बात करना अभी संभव नहीं होगा, वो हम आगे जाके कभी करेंगे, क्योंकि अभी हमें बहुत जल्दी है, उतावलापन है हमारे मन में राम तक पहुंचने का, किसी भी तरह हमको राम तक पहुंचना है। लेकिन फिर भी राम के पहले के कुछ जो उनके वंशज रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बात कर लेते हैं। और उस परंपरा में हम बात करते हैं रघु की। ये वही रघु हैं जिनके नाम पर रघुकुल की स्थापना हुई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये वही रघु हैं जिनके नाम पर इस कुल का ये नाम पड़ा। राम के पिता दशरथ, दशरथ के पिता महाराजा अज और अज के पिता रघु। रघु बहुत ही पराक्रमी सम्राट थे और उनके पुत्र हुए महाराजा अज। अज भी अपने पिता के समान बहुत ही वीर, शूरवीर, पराक्रमी और धर्मात्मा थे।
इनके बारे में एक बड़ी बहुत अच्छा प्रसंग है, बड़ा रोचक प्रसंग है, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं। एक बार महाराजा अज अपनी दैनिक पूजा में लीन थे, अपना वो नित्य कर्म साधना कर रहे थे, और उसी समय एक घोर आक्रांता असुर उनके द्वार पर उनको ललकारने के लिए, उनको उनसे युद्ध करने की नियत लिए वहाँ पे आ पहुँचा, और वो आक्रांता था रावण। हाँ जी, वही रावण। हम में से बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि रावण राम के ज़माने में ही रहा होगा, परंतु ऐसा नहीं है। रावण राम से बहुत 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 पहले से था, पूरे भूलोक का स्वामी बनना चाहता था वो, और उसको पता था कि महाराजा अज उनको कोई हरा नहीं सकता, कोई परास्त नहीं कर सकता। तो इसी वजह से, इसी मंशा से कि वो महाराजा अज को परास्त करके पूरे विश्व का स्वामी बनेगा, इस मंशा के साथ वो उनके साथ युद्ध करने वहाँ पे आया हुआ था। रावण ने जब देखा कि महाराजा अज अभी इस समय अपनी नित्य कर्म पूजा में व्यस्त हैं, तो उसने वहाँ थोड़ा सा उनका इंतज़ार किया, वहीं खड़ा रहा। तभी वो क्या देखता है कि महाराजा अज ने अपने हाथ में पूजा का थोड़ा सा जल लिया और उस जल को उन्होंने अपने पीछे की तरफ फेंक दिया। ये दैनिक कर्म की दृष्टि से बहुत ही विपरीत काम किया था महाराजा अज ने, क्योंकि पूजा कर्म में जो भी जल अर्पण किया जाता है तो वो अपने आगे किया जाता है, परंतु महाराजा अज ने अपने पीछे फेंका था। रावण को बड़ा विस्मय हुआ कि ऐसा उन्होंने क्यों किया होगा। तो वो इंतज़ार करता रहा जब तक महाराजा अज का कर्म समाप्त नहीं हुआ, संपन्न नहीं हुआ, और जब महाराजा अज का ध्यान टूटा, जब वो उन्होंने अपना दैनिक कर्म संपन्न किया, उसके बाद रावण ने उनसे प्रश्न किया, आपने विधि के उल्टे जाकर के ये जल आगे ना फेंक करके पीछे की तरफ फेंका, ऐसा क्यों? महाराजा अज थोड़ा सा मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि यहाँ से पीछे मेरे एक जंगल है, एक योजन दूर एक जंगल है, और वहाँ पे इस समय एक गर्भवती गाय विचरण कर रही है, वो घास चर रही है, और एक वहाँ पे सिंह है जो उसकी हत्या करने की नियत से उसकी तरफ बढ़ा चला आ रहा है, और मैंने उस गाय की रक्षा करने हेतु इस जल को पीछे फेंका आपने, एक योजन दूर। एक योजन लगभग, अगर आज की भाषा में हम बात करें, तो लगभग 7.5 मील के आसपास होगा। रावण को ये बात कुछ समझ में नहीं आई कि एक योजन दूर, वो भी जल के कुछ छींटे महाराज आज अगर पीछे फेंक रहे हैं, तो उससे उस गाय की रक्षा कैसे हो सकती है, जबकि एक आदमखोर सिंह वहाँ पहुँच चुका है। उसको महाराज आज की बात पे विश्वास नहीं हुआ। उस संशय को दूर करने की नियत से, अपने इस संशय को दूर करने की नियत से वो उस जगह पे गया, उस वन में गया। जब वो एक योजन दूर पहुंचा, तो उसने देखा वहाँ पे एक गाय निर्भीकता पूर्वक वहाँ पे अपना हरी हरी घास को चर रही है प्रसन्नतापूर्वक। उसके थोड़ी दूर जाकर के ही उसने देखा वहाँ पर एक विशाल सिंह शेर निष्प्राण पड़ा हुआ है, और उसके अंदर, उसके शरीर में 1000 बाण धसे हुए हैं। रावण को समझ में आ गया कि महाराज अज ने ये जो छींटे फेंके थे पीछे, ये सब उनके प्रताप के बल से बाणों में परिवर्तित हो गए, और उन्होंने एक योजन दूर जाकर के उस सिंह का नाश कर दिया और उस गाय की सुरक्षा हो गई। रावण को समझ में आ गया कि ऐसे पराक्रमी महाराजा अज से लोहा नहीं लेना चाहिए, अगर वो उनको ललकारेगा तो ये उसकी मूर्खता होगी, और वो चुपचाप वहाँ से वापस लौट गया। इतने पराक्रमी थे महाराजा अज। महाराजा अज के पुत्र हुए दशरथ। महाराज दशरथ के जन्म से संबंधित एक बड़ा रोचक प्रसंग है, परंतु जैसा हमने कहा अभी हमको राम तक पहुँचना है, वो फिर कभी। दशरथ बड़े पराक्रमी राजा थे, अपने वंशजों के समान।
सब कुछ बहुत अच्छा था, परंतु एक बहुत विशेष कमी थी महाराजा दशरथ के जीवन में। किसी तरह से भी वो पुत्र प्राप्त करना चाहते थे, परंतु उनको कोई पुत्र नहीं था। अपने कुछ विशिष्ट मंत्रियों, सलाहकारों, गुरुओं की सलाह पे उन्होंने एक पुत्र कामेष्ठी यज्ञ का आयोजन करने का मन बनाया। पुत्र कामेष्ठी यज्ञ एक ऐसा अनुष्ठान होता है जहाँ पे याचक भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि उनको पुत्र की प्राप्ति हो। यहाँ पर इस अनुष्ठान की तैयारियाँ महाराजा दशरथ कर रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ बहुत दूर देवलोक में देवता एक समूह बना करके आतंकित हुए थे रावण से। बहुत त्रास देता था रावण उनको, बहुत सताता था, और रावण किसी भी सूरत में देवताओं से परास्त नहीं हो पाता था, क्योंकि रावण ने पूर्व में घोर तप करके ब्रह्मा जी से एक वरदान प्राप्त किया था, और उस वरदान में ये था कि किसी भी तरह का, किसी भी प्रकार का देव, गंधर्व, नाग, वसु, किसी भी प्रकार के ये जो बलिष्ठ ये जो योनियां हैं, इनमें से किसी से भी उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। ना देव मार सकते उसको, ना गंधर्व मार सकते उसको, ना वसु मार सकते उसको, ना सुर मार सकते उसको। और उसने इस वरदान के बल पर पूरे विश्व में, पूरे देवलोक में आतंक मचाया हुआ था। तो जितने भी ये देव थे, एक समूह बना करके ब्रह्मा जी की अगुवाई में श्री हरि विष्णु के लोक उनसे प्रार्थना करने पहुँचे, क्योंकि उनको ऐसी उम्मीद थी कि अब अगर कोई उनकी सहायता कर सकता है तो वो सिर्फ श्री हरि विष्णु ही हैं, दूसरा कोई नहीं। श्री हरि विष्णु के पास जाकर के, उनके समक्ष जाकर के देवताओं ने उनकी स्तुति करी और उनसे प्रार्थना करी कि प्रभु रक्षा करिए, रावण हमको जीने नहीं दे रहा है, रक्षा करिए। श्री हरि विष्णु को पहले से सब ज्ञात था, रावण के वरदान के बारे में उनको पता था, और वो चाहते थे कि देवताओं की समस्या का कोई समाधान निकले। उन्होंने सब जानते हुए भी देवों से पूछा, ठीक है बताओ, आप लोग ही बताइए क्या करूं मैं, मुझे क्या करना चाहिए, मैं बिल्कुल करूंगा, आपकी सहायता करूंगा। तो ब्रह्मा जी ने, जो देवों की अगुवाई कर रहे थे, उन्होंने बताया कि रावण सिर्फ मनुष्य योनि के किसी प्राणी से ही मारा जा सकता है, क्योंकि उसको बड़ा अहंकार था। रावण ने जब वरदान मांगा था तो उसने मनुष्यों की श्रेणी को इसमें सम्मिलित नहीं किया था। जिन लोगों से उसकी मृत्यु का भय था उसको उस श्रेणी में मनुष्यों को वो गिनता ही नहीं था, क्योंकि उसको पता था कि मनुष्य के अंदर तो इतना बल हो ही नहीं सकता। तो ब्रह्मा जी ने श्री हरि विष्णु को बोला कि आपको मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा, मनुष्य रूप में पृथ्वी पर अवतरित होना पड़ेगा, और इस समय महाराजा दशरथ हैं, वो अपनी पत्नी कौशल्या के साथ एक पुत्र कामेष्ठी यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, तो यदि आप उनके पुत्र के रूप में जन्म लें और आगे जाकर के रावण का वध करें तो देवों का निश्चित ही कल्याण हो सकता है। विष्णु जी मुस्कुराए, क्योंकि उनको तो पता था कि दशरथ और कौशल्या साक्षात मनु और शत्रुपा ही हैं, और अपने वरदान के चलते उनको वैसे भी जन्म लेना ही है उनका पुत्र बनके। उन्होंने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। देवों का पूरा समूह और ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और वो अपने अपने स्थान को वापस लौट गए। और इधर महाराज दशरथ का अनुष्ठान भी संपन्न होने वाला था। हवन कुंड में महाराजा दशरथ और कौशल्या जी ने जैसे ही पूर्ण आहुति अर्पित करी, उसमें से एक दिव्य पुरुष उत्पन्न हुआ,
उस दिव्य पुरुष के हाथ में एक चमचमाता हुआ चांदी का बड़ा सा पात्र था और उस पात्र को प्रेम पूर्वक उसने महाराजा दशरथ के हाथ में सौंपा और उनसे कहा, महाराज आपका यज्ञ सफल हुआ, संपन्न हुआ। इस पात्र में खीर है, पायस है, इस खीर को आप अपनी रानियों को दें, जिसको पा करके निर्धारित समय में उनको पुत्र प्राप्त होंगे, साक्षात विष्णु स्वरूप पुत्र आपके तीनों रानियों को प्राप्त होंगे। ऐसा कह करके वो दिव्य पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। महाराजा दशरथ ने उस खीर के दो बराबर बराबर भाग बांटे। आधा भाग उन्होंने अपनी महारानी पटरानी कौशल्या को दिया, फिर जो बचा हुआ था उसके उन्होंने फिर से दो भाग करे और उसमें से एक भाग उन्होंने अपनी दूसरी रानी केकई को दिया और जो तीसरा बचा हुआ भाग था वो उन्होंने सुमित्रा को दिया, जो उनकी तीसरी रानी थी। महारानी कौशल्या और महारानी केकई ने भी अपने अपने भाग में से थोड़ा थोड़ा भाग निकाल करके सुमित्रा को एक अतिरिक्त भाग प्रदान किया। कालांतर में कौशल्या, केकई और सुमित्रा तीनों गर्भवती हुई और तीनों को ही पुत्र प्राप्त हुए। कौशल्या की कोख से प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, अवतरण हुआ। केकई की कोख से भरत जन्मे और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। राजा दशरथ, जो अभी तक पुत्र प्राप्ति के लिए व्याकुल थे, अपने घर में साक्षात विष्णु के अंश चार चार पुत्रों को देख करके बेहद आनंदित हुए। हर्षोल्लास में पूरी नगरी, पूरा देश डूब गया। कई कई दिनों तक इसका उत्सव अयोध्यावासी, समस्त नगरवासी, समस्त देशवासी मनाते रहे। न सिर्फ अयोध्यावासी, न सिर्फ देशवासी, न सिर्फ भूलोक के रहने वाले, बल्कि देवलोक के रहने वाले देव भी मनुष्य शरीर धारण करके इस उत्सव का भाग बनने के लिए वहां पर उपस्थित हुए। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य भगवान भी इस आनंद हर्ष से भरे हुए उत्सव को देख करके अपनी चाल भूल गए और ऐसा कहते हैं कि वो दिन ही खत्म नहीं हो रहा था, क्योंकि सूर्य अपनी चाल भूल करके वहीं ठहर गए। ऐसा ही कुछ आज त्रेता के बाद वैसा ही एक अवसर हम सबके सामने आ रहा है, जहां पे हमारे आराध्य प्रभु श्री राम वापस उसी जगह अयोध्या में, अपनी नगरी में पुनः प्रतिष्ठित होने वाले हैं और इस आनंद के, मंगल के उत्सव का लाभ अपने जीवन में हम सबको मिल रहा है, जिसके लिए प्रभु का कितना भी हम गान करें, गुणगान करें, उनको कितना भी आभार प्रकट करें, वो कम ही होगा। अपनी यात्रा को हम और आगे बढ़ाएंगे और प्रभु राम के चरित्र के बारे में और जानेंगे, उनके जो भी लीलाएं उन्होंने करी हैं उसके बारे में और जानेंगे, परंतु अभी तो हम सब भाव विभोर होकर के प्रभु की ये जो बाल रूप में पुनः प्राण प्रतिष्ठा हो रही है अयोध्या में, उसका ही आनंद लेते हैं, उसका ही उत्सव मनाते हैं और उसमें भाग लेते हैं। और जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, जिसकी भी वजह से हुआ है, जिसकी भी प्रयास, जिनके भी प्रयास से हुआ है, उनको शत शत नमन करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और इसी के साथ आपसे हम सब आज्ञा लेते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।